बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे मेरे घर भाई खुश होंगे, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, शायद बर्बाद रखे, हर आने वाली कोई तकलीफ को जाए दे। वैसे तो आज की वीडियो शुरू कर दें, शुरू करके छोटी सी अर्ज कर दें, जिस मेरे बहन भाई ने निदा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो, ताकि सभी आने वाली हर वीडियो तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह वा कि असी बाहर घूमने वास्ते आए हुए हैं, मैं और जुल्कनैन के पापा। तो दो दिन तो मैंने बुखार आ रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी जी खराब सी, नौवें मुहर्रम तो बुखार आ रहा, दसवां अज मतलब कि जुम्मे का दिन आ, तो ग्यारहवा मुहर्रम हो गया, तो तबीयत जरा काफ़ी खराब सी। तो मैं कह मेरे घर बार बड़ी बुरी हो गई, जैन के पापा ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं हैगी, तो अज सू जुम्मे जरा बहर घुमा के लैके आया। मेरा वैसे भी दिल चाह रहा है कि मैं जूस पीन, कहते चलो फिर तुम बहर खुराक भी लैके आना, तो जूस भी पिला के लैके आना, तुम बहुत कलूनी खुराक लैके आना। मेरा दिल बहुत खुश हो गया कलूनी का सुन के ना, मैंने वैसे भी बहुत शौक है कलूनी घूम जाने का, तो कलूनी दिखाने अपने भैन भाई, बहुत प्यारी कलूनी है, तो सारा कोठिया का मतलब क्या इलाका वा, ये नाल वाली ये मतलब क्या चीज़ है भला, ये भी अपने भैन भाई ने शेयर करते हैं, दिखाने हैं गुजरे अपने बहुत प्यारी एक कलूनी है। तो मेरा तो दिन वैसे बहुत खुश हो गया, मैं क्या चलो मैं लैके जा रहे बाहर, चलो मैं इन्हें बहाने का देख आऊंगी, चलो अल्लाह मियां कहीं सालों भी एंजॉयमेंट होगी, ज़हन फ्रेश हो जाना है। हाँ जी ना, ज़हन फ्रेश ना ले, मैं वैसे बहुत शौक है कि अल्लाह सोना पापा कितना मुँह करो, पापा कितना मुँह करके दिखा दो ना, मैंने मुँह करके दिखा रहा सी अजीब जहा बना के, तो चलो अल्लाह सोना कभी सानू भी इस तरह की कलूनी कर देगा। नाले मेरे भैन भाई ने जुम्मा मुबारक भी हो गए बहुत बहुत ज्यादा। देखो जी एक वाला गेट है कलोनी का, एक उस साइड का, अरे काफी प्लाट वगैरह पे ने ना। हाँ जी वाले प्लाट रहे हैं बनने वाले, सामने फैक्ट्री बनी हुई है, और ये चीज दी है पता नहीं, नहीं ये वाला किस साइड है, नहीं ये वो जगह चार दीवारी बनी हुई है। लो जी माशाल्लाह बहुत प्यारी कलोनी है, मैं क्या मैं अपने भैन भाइयों को शेयर करा, बाहर जाके रोज ही घर ही बैठी रहा, घर बैठ बैठ के बंदे का वैसे दिल बोर हो जाता। देखो जी ए किसी मतलब प्लाट वगैरह ने जोड़े बनते पे ने, और बिल्कुल अगली साइड से फैक्ट्री वगैरह वा, सारा टोटल कोठियां का इलाका वा, बहुत प्यारा माहौल है माशाला, ये पानी की सीवरेज की और दूसरे की सुई गैस की सड़कां पक्कियां दी, हर तरह की सहूलत है इतने माशाला। ये कह वाला बहर में गेट जा रहा, जैन दे जुल्कनैन दे पापा दे जुल्कनैन भी मोटरसाइकिल से बैठे, मैं क्या मैंने जरा दिखाओ, मैं जरा अपने भैन भाई शेयर करा, अगली साइड के प्लॉट पे हुए ने ठीक है, और इस साइड से भी एक गेट निकल रहा बहर में, इस साइड से भी जरा कलोनी वगैरह वा, ये कह वाला रोड जा रहा जी, ये कह वाला रोड डबल रोड है माशाला, बहुत प्यारा माहौल है। ये कह वाला जी दिखा दा गोल चौक छोटा जहा बनाया हुआ उन्होंने, इतने नजर ही नहीं आ रही है, भेदा चुन रही है, नजर ही नहीं आ रही है, हम असं इस गेट थानू बैठ जा रहे, फिर जाके अगर अपने भैन भाइयों ने कोई खास चीज दिखाई है, मतलब भी मेन रोड बन के जा रहा बनी हुई है, यह जी अगे साढ़े फ्रंट गेट आ गया, इस गेट थे हम बैठ जा रहे हैं, यह वाला बिल्कुल फ्रंट के सामने स्टेडियम है माशाल्लाह, स्टेडियम का गेट खाने अपने भैन भाई है, एक उस साइड का गेट है काफी बड़ा है, सैन क्रिकेट स्टेडियम। हाँ जी बिल्कुल ना माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टेडियम है, मैंने देखा स्टेडियम के बाहर गेट है, पीछे गेट है, काफी सारे इधर मतलब गेट है, सिक्योरिटी वगैरह भी बैठी हुई है, लेकिन अंदर जान की इजाजत नहीं, माशाल्लाह जी गोल चौक बनाया और किन्ना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर बहुत प्यारा गोल चौक
वाली साइड में जा रहे हैं। ये रोड आ गया लगे से पहुंच गए हैं जूस वाले दुकान पे। तो पीछे भी मिलता वा गले का जूस भी है और मैं करो कह के भी ऐसी जान दे पापा ने तो मैं गले का जूस पीना मेरा बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है जूस पीने तो बहुत प्यारा मतलब कि तो जूस बनता वा मजा आ रहा है तो अक्सर मुझे पी के जाते हैं पैर सड़े का पता भी भूख जाता है और अरे जूस का इंतजार है गले का जूस नहीं फिक्र आया आएगा तो फिर वो आएगा थोड़ी शेयर कराएंगे। हाँ जी क्या लेना है क्या लेना है जुर्बे नैन क्या लेना है मेरे बेटे ने जूस लेना है। चलो अभी आ रहा है मेरा भाई जूस मजा ले लो जी जूस आ गया हमारा गन्ने का। बेगम साहबा भी बैठी हैं माशा भी जूस पीने लगे हैं। लो जी पियो माशाल्लाह। आपसे कहाँ जा रहे हैं हसैन चौक जैन तो पापा करे खड़ी होके दिखाओ माशाल्लाह बहुत प्यारा माहौल है। इस साइड पे भी हरियाली है लेकिन आवाज रहा उन्होंने दोबारा इतना कट लिया कट गया थोड़ा दिन खड़ा हुआ बकाया दोबारा बेचता। और देखो जी अभी बाजरा माशाल्लाह ये छोटा छोटा वा थोड़ी जिन्नी जगह वा ये साइड तो नहर है और दो नहर जा रही हैं एक उस साइड पर एक इस साइड पर नहर पल्ली साइड तो मतलब दुकाना बन चुकी हैं। इस साइड तो थोड़ी मतलब कि काफ़ी जगह बनी हुई है लेकिन इस साइड थोड़ी जमीन जमीन छोड़ी है कोई मालिक की होगी जिसे पट्ठे वगैरह हो उन्हें माल रखा होगा पट्ठों की जरूरत होगी उन्हें नाल ही मतलब अपना हरियाली पाली हुई नाल और हरियाली की खूबसूरती एक अपनी है माशाल्लाह। कोशिश करा करो मेरे भैन भाई मेरी पूरी वीडियो देखा करो मैं बहुत मेहनत ना वीडियो बनानी हूँ। अज भी मेरा बहुत दिल कर रहा है कि बाहर निकल गया बाहर का ब्लॉग बनावा और वाकई बाहर निकल ब्लॉग बनाया और मेरी थोड़ी तबीयत भी फ्रेश हो गई है तो जहन भी थोड़ा जहा फ्रेश हो गया माशाल्लाह। और उस साइड पर जी नहर आ गई अच्छा अच्छा देखी नहर के ऊपर ही बिल्कुल ए वाले जो पेठा कद्दू गया हुआ देखो इस बीच किस तरह आया होगा जी देखो बिल्कुल पेठा बड़े बड़े मतलब जो पेठे कद्दू होंगे हलवा कद्दू मतलब हलवा भी बनते साले वगैरह बनता पेठा उन्होंने कहते हैं ठीक है वह नहर बिल्कुल उपर उगया हुआ और काफ़ी ज्यादा फुल वगैरह भी लगे हुए हैं और जो फुल लगन गए तो सारी गल तो पेठे भी लगन गए और माशाल्लाह हम नगर की अजान कुछ दे नगर की अजान का टाइम हो रहा असं निकल के घर में जो भी सीन होगा जरूर बनते हैं शेयर कर दी। लो जी घर असं पहुँच चुके हैं असं कैमरे कैमरे शेयर कर दिए अब बहुत ज़्यादा वाकई मज़ा आया बाहर जाके कि मैं सोचा सी कि बाहर जावे बाहर का ब्लॉग बना के आवेंगे बाहर का ब्लॉग बनाया और वाकई बहुत मज़ा आया लेकिन कोशिश करा करांगे कि बाहर के ब्लॉग भी अपने भैन भाई दिखाया करांगे तो कोशिश करा करांगे कि अच्छी तो अच्छी मैं वीडियो बनावा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं लेकिन मेरे भैन भाई भी बहुत ज़्यादा कोशिश करा कर कि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ अपने भैन भाई उपर कि मेरी वीडियो जी पूरी वाच कर पूरी मेरी वीडियो देखा करो और हम मैं चाहूँगी अपनी भैन भाई को इजाजत रब सुनने के हवाले अल्लाह हाफिज़।